नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन हमेशा की तरह बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉरवर्ड बाय क्वेश्चंस। ओके, तो टुडे इज 1 दिसंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, राइट। इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे IBPS हो, चाहे SBI हो, SSC के एग्जाम्स हो गए, रेलवे NTPC का एग्जाम्स, या अदर स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और बहुत ही अच्छे न्यूज जो एग्जाम्स ओरिएंटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस बना सकते हैं, वही न्यूज मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, किसी भी तरह का कोई सजेशंस या डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगा तुरंत आपको मिल जाएगा। ओके, नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएगा। ओके, एंड अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, आप कुछ भी चीज़ सीख पाए, तो लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा, राइट, एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट तक भी पहुंचे, उनकी भी एक हेल्प हो सके। ओके, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट, जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। बहुत बार ये क्वेश्चंस देखा गया है, आई होप आप भी सभी मेरे से एग्री करेंगे। अगर आपको पता है, आपने अगर कोई भी एग्जाम्स दिया हो, उसमें यह क्वेश्चंस पूछा गया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, क्वेश्चंस पूछा था, वेयर इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स एवरी डे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखता है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, क्योंकि प्रत्येक में मैं यह डिस्कस करता हूँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर स्टेट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वह भी बताता हूँ। तो जो रेगुलर देखता है ना, उनके लिए कोई किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, बी ऑप्शंस आपका सही आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, आनंदीबेन पटेल, राइट, ये यहाँ की गवर्नर हैं, राइट, आनंदीबेन पटेल। ओके, एंड देन लखनऊ यहाँ की कैपिटल होगी। डिफेंस एक्सपो हुआ था जो कि आपके लखनऊ में हुआ था, आपकी जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, रक्षा मंत्रालय का प्रभार है राजनाथ सिंह जी के पास, जो भी आपकी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी लखनऊ ही है। ओके, याद रखिएगा, क्लियर। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क यह भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। रोजगार छतरी योजना यह भी आपकी उत्तर प्रदेश की ही है, याद रखिएगा। ओके, रिसेंट में अभी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके वहाँ पर जो गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट कर दिया है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई होप आप सब इससे एग्री करेंगे, राइट, आपको समझ में भी आया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज का डेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको बताते चलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डेज अगर कोई है तो, उसके बाद इम्पॉर्टेंट बुक्स अगर कोई है तो, फिर उसके बाद आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज अगर कोई है तो, फिर उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्मेट पे क्वेश्चंस रहता है। ओके, क्लियर। तो ये इतने पार्ट्स में सेशंस रहता है, न्यूज वही अपन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, देखिएगा आपको पता चल जाएगा। टुडेज माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एड्स डे,
वर्ल्ड एड्स डे आपका 1 दिसंबर को बनाया जाता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं कि विश्व एड्स दिवस आपके कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को आपका वर्ल्ड एड्स डे के रूप में बनाया जाता है। नवंबर माय डियर फ्रेंड्स अभी रिसेंट में कंप्लीट हुआ है, यानी कि नवंबर के नवंबर जो कंप्लीट हुआ है उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डेज के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज या कल तक आपके साथ वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ आपको वीडियो में बने रहना। नवंबर में बहुत से इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो मैं कुछ डेज में आपको रिविजन्स करवा दे दूँ, बाकी पूरा का एक सिक्वेंस भी है। जैसे आपका 10th of November को मनाया जाता है साइंस डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, पीस एंड डेवलपमेंट। 11th November को बनाया जाता है एजुकेशन डे, एजुकेशन डे आपका 11th of November को बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 14th को चिल्ड्रंस डे, 20 November को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे याद रखिएगा, 17th November को आपके स्टूडेंट्स डे, 21st of November को टेलीविजन डे याद रखिएगा, ओके। 26th November को कॉन्स्टिट्यूशन डे, ओके। एंड मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे भी आपका 26th of November को बनाया जाता है। पूरा एकदम कंप्लीट आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, अच्छे से आप पढ़िएगा, सारे डेज मैं कवर करवा दूंगा। लास्ट वीडियोज में भी जो आपकी अक्टूबर के भी आपको पढ़ने हो, सितंबर के भी पढ़ने हो, जुलाई के भी पढ़ने हो, सबके वीडियोज अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, नीरा टंडन, नीरा टंडन एक उन्होंने जो बाइडन है, जो बाइडन जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, और कमला हैरिस जो कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुई है, तो उन्होंने नीरा टंडन जो कि एक इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनको एक तरह से जो OMB चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। OMB चीफ के रूप में इनको नीरा टंडन जो कि एक आपकी इंडियंस कम्युनिटी के बिलोंग करती है। OMB इट मीन्स ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, यानी कि जो बजट के रेगुलेशंस होते हैं, नीतियां होती है, उनकी चीफ के रूप में नीरा टंडन जी को नियुक्त किया गया है। यह एक इंडियंस है, इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। कमला हैरिस भी आपकी इंडियंस है, यह भी आप याद रखिएगा, जो कि आपकी वाइस प्रेसिडेंट है, क्लियर। देखिए इनसे एक न्यूज से पर्टिकुलर क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका के राष्ट्रपति रिसेंट में कौन नियुक्त हुए, जो बाइडेन। अगर उनसे एक और क्वेश्चन बनाए तो ये कितने वे राष्ट्रपति है, 46वें, 46 राष्ट्रपति है आपकी। ओके, 46 राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस जो कि इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और नीरा टंडन जो कि एक बजट एडवाइजर यानी कि बजट जो नीति निर्धारण करते हैं उनकी चीफ मनी है नीरा टंडन, याद रखिएगा, क्लियर। डन होता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप देते चलिएगा। नेक्स्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स, S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग्स एजेंसीज हैं जिसने इंडिया की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, दैट इज द 9%, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन माइनस का 9% फोरकास्ट की है इस फिजिकल ईयर्स में, ऑन मंडेज रीटेंड इट्स फोरकास्ट 9%। इन्होंने पहले भी की थी इतनी, अब देन उन्होंने वापस यानी कि स्टे रखा है, इन्होंने कोई भी फ्लक्चुएट नहीं किया है, 9% इन्होंने रखा है S&P ने, ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, एग्जाम्स में 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ यह न्यूज का क्वेश्चंस MCQs फॉर्मेट में आपके आएगा ही आएगा। dictionary.com ने पिक किया है पेंडेमिक इट्स वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर है पेंडेमिक, जिसको हिंदी में कहते हैं महामारी, ओके।
जो dictionary.com है उसने इस पर्टिकुलर वर्ड्स को एट वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया है, राइट। पेंडेमिक याद रखिएगा, पेंडेमिक, क्लियर। यहाँ पर देखिए पूरी न्यूज पढ़ लीजिए ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से भी याद हो सके। Dictionary.com on Monday declared pandemic its 2020 word of the year. Search on the site of the on the site for the word spiked more than 13,500% on March 11. Right? Senior researchers editor John Kelly told the Associated Press in an interview ahead of the announcement. Test that turned descriptive, okay? Clear? याद रखिएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि पेंडेमिक है जो कि वर्ड ऑफ द ईयर बना है dictionary.com का, क्लियर। नेक्स्ट माय डियर स्प्रेंड्स, S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल्स हैं जिन्होंने एक्वायर किया है IHS मार्केट इन $44 बिलियन मेगा डील, सबसे बड़ी डील है एक तरह से कहें तो। 44 बिलियन मेगा डील्स की जो IHS मार्केट है उनको एक्वायर की उनको पूरा का पूरा ले लिया है, राइट। कंप्लीट एक तरह से नहीं बट 44 बिलियन वहां पर इन्वेस्ट करेगा S&P, क्लियर। यहाँ पर आप पूरी न्यूज पढ़ सकते हैं। डाटा जायंट यानी कि बहुत बड़ा S&P ग्लोबल सिंह हैज एग्रीड टू बाय IHS मार्केट लिमिटेड इन ऑल स्टॉक डील्स वर्थ $44 बिलियन दैट विल बी द बिगेस्ट कॉर्पोरेट एक्वायरेशन ऑफ 2020 एंड क्रिएट हैवी वेट इन द इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर बढ़िए बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेगा डील्स विच IHS मार्केट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लैंस उगला राइट टोल्ड एम्प्लॉयज इन अ मेमो हैड बीन इन द works for the last few months highlights the growing importance of big data in financials market governed by information hungry trading algorithm, right। याद रखिएगा IHS जो कि एक स्टॉक ऑल स्टॉक डील है स्टॉक मार्केट राइट एक तरह से कहें उनको एक्वायर किया है S&P ने $44 बिलियन रुपीज का। अमाउंट याद रखिएगा, बैंक में अमाउंट बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट एक ऑब्विचुरी है दैट इज द भारतीय जनता पार्टी की एक MLA है जो कि आपकी उनका नेम है किरण माहेश्वरी राइट। किरण माहेश्वरी जो एक MLA है भारतीय जनता पार्टी की विधायक है हिंदी में कहें तो, वह राजस्थान के राजसमंद से विधानसभा क्षेत्र से वह विधायक थी, उनका कोरोना की वजह से निधन हो चुका है, ओके। याद रखिएगा पहले तो क्वेश्चंस पूछेगा प्रोफेशंस तो याद रखिएगा पॉलिटिक्स थी, सेकंड क्वेश्चंस पूछ सकता है कि वह कौन सी पार्टी से तो पूछ बताइएगा BJP एंड देन नेम पूछे तो किरण माहेश्वरी और विधानसभा क्षेत्र पूछे तो राजस्थान का राजसंबंध विधानसभा क्षेत्र है, ओके। इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज के बारे में अगर आपको जानना हो पर्टिकुलर मंथ का तो माय डियर स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज में, जिसमें आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर इन सारे मंथ्स की वीडियोज अवेलेबल है, जाके देखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे वीडियो मैंने वहाँ पर बनाए हैं, ओके क्लियर। तो ये तो थी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, न्यूज़ सर्च करने में, क्वेश्चंस बनाने में, तो प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ओके। अब देखिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में आप सब क्वेश्चंस करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा माई डियर स्प्रिंच, पहले आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा। एवरी डे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, उसमें जो कल न्यूज डिस्कस होती है उनका आज MCQs रहता है, यानी कि प्रत्येक न्यूज को आप 2 times देख सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि हमको कितना याद रहता है, इसीलिए कहता हूँ एवरी डे देखा करिएगा, ओके। क्वेश्चन सर
रायमोना नेशनल पार्क इज द सिक्स्थ प्रपोज्ड नेशनल पार्क इन विच स्टेट। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है वह उस राज्य का छठा नेशनल पार्क होगा, तो वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें यह होगा, राइट? याद रखिएगा असम में, असम में यह छठा नेशनल पार्क होगा, याद रखिएगा असम स्टेट में। असम के चीफ मिनिस्टर्स हैं आपकी सर्वानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं, दिसपुर यहाँ की कैपिटल है, और कांजीरंगा, ये कांजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, राइट, मानस हो गया, राइट। ये जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये देख लीजिए कटिंग्स भी मैंने यहाँ लगा दी है और आप पढ़ भी सकते हैं। 5 है, कांजीरंगा, मानस हो गया, नामेरी हो गया, औरंग हो गया और डिब्रू चौखिया, डिब्रू चौखावा, और आपके नेक्स्ट है रायमोना। ये तो क्वेश्चन आप न्यूज में भी मैंने जब आपके साथ शेयर किया था उसमें भी मैंने बताया था कि इस न्यूज को तो आप सुपर इम्पोर्टेंट मान कर लीजिए, राइट। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अपकमिंग कोई भी अगर एग्जाम्स हो तो, ओके। वापस रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रायमोना नेशनल पार्क है जो कि असम का छठवा नेशनल पार्क बना है, ओके। असम के ऑलरेडी 5 पार्क है जिसमें से कांजीरंगा बहुत ही फेमस पार्क है जो बार बार पूछा जाता है, मानस हो गया, नामेरी हो गया, औरंग हो गया और डिब्रू डिब्रू सिखोवा हो गया, राइट। ये यहाँ के 5 है और छठा रायमोना है। असम के चीफ मिनिस्टर आपके सर्वानंद सोनोवाल हैं, जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं, एंड देन दिसपुर वहाँ की कैपिटल हो गई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड हर घर जल हर घर नल योजना टू प्रोवाइड टिप ऑफ एवरी हाउस होल्ड। रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल योजना की शुरुआत की है, यानी कि पूरे के पूरे राज्य में हर घर नल देने की एक सुविधा, एक तरह से पूरा का पूरा स्कीम है, उसके माध्यम से हर घर नल एक देना और उसमें पानी, राइट। यह योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना की शुरुआत की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। 2022 तक हर घर जल पहुंचाना एक गवर्नमेंट का टारगेट भी है। चीफ मिनिस्टर माय डियर रेस्पिरेंट्स, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर, लखनऊ यहाँ की कैपिटल होगी, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि फेमस है, बार बार पूछता है, रोजगार छतरी योजना जो कि आपकी SC ST कैटेगरी के लिए है, राइट, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। विच कंट्री हैज होस्टेड द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि HOG काउंसिल्स मीटिंग ऑफ द 8 नेशन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह भी मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। 8 देशों ने शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक की मेजबानी किस पर्टिकुलर कंट्री में हुई थी, तो याद रखिएगा इंडिया इसको होस्ट किया था, राइट, कल इंडिया में इस पर्टिकुलर मीटिंग को आयोजित किया गया था, ओके। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, राइट। टोटल्स 8 कंट्रीज बिलोंग करती है इसमें, याद रखिएगा। ये कटिंग्स भी आप देख सकते हैं, 8 कंट्रीज में माय डियर फ्रेंड्स आपके पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, राइट, ये आपकी इसमें इंक्लूड करते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो आपके चाइना बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, क्लियर, समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चंस यही बन सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं बन सकता। पहला पूछ सकता है होस्टिंग, सेकंड अगर थोड़ा सा टक मनाए तो पूछ सकता है हेडक्वार्टर, थोड़ा सा और टक मनाए तो पूछ सकता है आपके इसमें कितने कंट्रीज बिलोंग करते हैं,
या पूछ ऑप्शंस दे के पूछ सकता है, संघाई कॉर्पोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि बिलोंग नहीं करती, यह भी पूछ सकता है, घुमा के पूछेगा, बट ओवरऑल अपने को पता होना चाहिए। अयोध्या एयरपोर्ट, मैंने जो वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है ना, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी है। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो याद रखिएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम है, पुरुषोत्तम श्रीराम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है जो जिन जो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया है योगी गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री एंड प्रोबेबली द लास्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, कोयला से बिजली बनाने के लिए कौन सा देश पहला अरब खाड़ी देश है और शायद सबसे आखिरी भी बनने के लिए तैयार है, राइट? तो वह है, दैट इज द यूएई। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट, याद रखिएगा यूएई इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके पहला फर्स्ट अरब कंट्रीज है, राइट, जिसमें कोयला से बिजली बनाने का, एक तरह से कोयला से बिजली बनाने के लिए पहला ऐसा कंट्री बन गया अरब कंट्री यूएई। सी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट लॉन्च्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम्स, दैट इज द जगन्नाथ थोड, राइट, यह स्कीम्स लॉन्च की है किस पर्टिकुलर राज्य ने, राइट? कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जगन्नाथ थोडू जो कि स्कीम्स शुरुआत की है, दैट इज द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्नाथ थोडू स्कीम्स की शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं होगा लोन के ऊपर, राइट, वह सुविधा शुरू की है, राइट। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ की गवर्नर हो गए, याद रखिएगा। और निगाह नामक एप्लीकेशन, जो बार बार मैं बताता हूँ, निगाह नामक एप्लीकेशन यह आपकी आंध्र प्रदेश का ही है, पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन यह भी आपके आंध्र प्रदेश का ही है, याद रखिएगा, ओके, पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन, क्लियर, और निगाह नामक एप्लीकेशन भी आंध्र प्रदेश का ही है। रायतु भरोसा, ये स्कीम्स हैं पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश की है, राय तो बंधु है जो कि आपके तेलंगाना की है, याद रखिएगा, राय तो भरोसा। LIC असिस्टेंट मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, राय तो भरोसा कौन से भारतीय राज्य की स्कीम है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की, ओके। इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, ये देख लीजिए, कटिंग्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ओके। सीएम लॉन्च जगन्नाथ थोडू स्कीम। नेक्स्ट देखिए, रिनोवेट पर्सनालिटी, एक ऑब्चुरीज है अल मेहंदी, राइट, अल मेहंदी, सदीक अल मेहंदी, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, ही वॉज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, वह किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने हुए थे, तो इसका आप सर्च कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा कि किस देश के ये प्रधानमंत्री थे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है आपके सामने, ओमान, सीरिया, सूडान एंड कतर, या इनमें से कोई नहीं, प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। अच्छा लगा आपको वीडियो, सीखने को मिला है, कुछ भी सीखा है आपने, तो प्लीज पहले लाइक बटन पर प्रेस जरूर करें, शेयर करें, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए, ओके।
थैंक यू सो मच। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगा ना आपको तुरंत मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेल आईडी दे दीजिएगा, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।